विश्वास कीजिए, जैसा कि मैं अपने हर बात में बोलता हूं कि मोदी जी की नजर रामपुर पर अगर बनारस के बाद देखी जाए तो रामपुर आपकी विधानसभा की लोकसभा पर नजर मोदी जी की है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए यहां से इस बार ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री घनश्याम मोदी जी को हम ऐतिहासिक मतों से चुना के रखा। कल भी मैं यहीं पर एक बैठक ले रहा था तो मैं लोगों को ये समझा रहा था कि चुनाव सिर्फ एक दिन का है, 19 तारीख को 7 बजे से लेकर और 6 बजे तक चुनाव चलेगा, उसके बाद हम सभी को यही रहना है। चुनाव तो आते हैं चले जाते हैं, लोग बहकावे में जाकर अपने मिशन से हट जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आप समझ रहे होंगे, उनको भी समझाने की आप कोशिश की और उनको ये समझाइए बैठाकर कि सत्ता के साथ चलने में ही फायदा है। सभी को यह पता है कि देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 सीटों के साथ इस बार बनने जा रही है। तो जब 400 सीटें होंगी वो ऐसे नहीं होंगी, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की लगन से 399 मोदी जी कर देंगे, लेकिन एक सीट जो है वो ये आप लोगों को करनी है। मैं किसी विश्वास के साथ, क्योंकि सुभाष जी को आगे शाबाश देना है, मैं आप लोगों से निवेदन यही है कि जब चुनाव जीतने के बाद जब सुभाष जी दोबारा यहां पर आए तो कम से कम हम उनसे ये कह सके देखिए हमने जो आपसे वादा किया था वो हमने अपना वादा निभाया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।